प्रथम भाव में अगर मंगल का अंगारक दोष हो तो बहुत ही घातक होता है। उदाहरण के लिए ये तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर इसके लग्नेश है। इसमें अगर प्रथम भाव जो कि पहला भाव होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, ये 12 भाव, अगर किसी व्यक्ति को प्रथम भाव में अंगारक दोष हो तो क्या होगा, उसको कहाँ दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी, क्योंकि पहला भाव जो है वो तन और स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। अब उसको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उसको पेट से संबंधित दिक्कत आ सकती है, उसको जॉन्डिस हो सकता है अर्थात लीवर की समस्या बन सकती है, साथ ही साथ उसके स्वभाव में बहुत ही एग्रेशन आ जाएगा अर्थात गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मानसिक तौर पर वह व्यक्ति डिस्टर्ब रहेगा, माथे पे चोट लग सकती है, क्योंकि ये जो पहला भाव होता है वो सिर का रिप्रेजेंट करता है और वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। जब कभी अंगारक दोष बनता है, आपको मैंने पहले ही बताया है, तो मंगल और केतु उन दोनों के जो भी प्रभावी ग्रह होते हैं वे सभी बाधित होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे हम, अगर अंगारक दोष यहाँ बनता है तो मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, 7, 4, 8, ठीक है। तो मंगल की 3 दृष्टियाँ कौन कौन सी होगी, एक तो पहली दृष्टि है 7, ये तो दोनों की दृष्टि हुई, पहले मंगल की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल की दृष्टि कौन सी है, 7, 4, 8, 7 नंबर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 4 नंबर 1, 2, 3, 4 अर्थात ये, उसके बाद 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हुई आपकी मंगल जी की 3 दृष्टियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं केतु, केतु की कितनी दृष्टि होगी, 7, 5, 9, 7 दृष्टि तो केतु की भी है ये, और 5 कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये है 5वीं दृष्टि केतु की, और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें ये चीज़ समझ में आया कि अगर अंगारक दोष बनता है तो कितने ग्रह प्रभावित होते हैं, 6 दोष 6 ग्रह। अंगारक दोष कब बनता है, जब राहु और केतु में से कोई भी एक जन मंगल के साथ कहीं भी युति बनाते हैं। अगर वो शत्रु ग्रह में हो, शत्रु के घर में हो, तो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अंगारक दोष यहाँ क्या बना, 1, 2, 3, 4, 5, सबसे पहले उसको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें आई, उसके बाद उन्होंने दृष्टि कहाँ कहाँ डाली, दृष्टि कहाँ कहाँ डाली, एक तो इस घर में डाली, पहले मंगल की बात है, चौथा घर, माता, मकान, गाड़ी, सुख से दूर कर देगा। उसके बाद केतु ने दृष्टि डाली 5वें घर में, विद्या, संतान, यहाँ पर उसको हानि होगी। उसके बाद सामने जीवन साथी, पार्टनरशिप, व्यापार के घर में दृष्टि डाली, मतलब पत्नी से संबंध बिगड़ जाएंगे। फिर मृत्यु रोग दुर्घटना, उसे एक्सीडेंट होने का योग बन जाता है, और भाग्य, भाग्य उसका साथ नहीं देगा। तो पहले भाव में अगर अंगारक दोष किसी व्यक्ति को बनता है तो उसकी बीमारी तो आनी ही आनी है, साथ ही साथ ये सब अड़चन भी बनेगी ही बनेंगे। इसलिए अगर किसी के जीवन में अंगारक दोष है तो उसका उपाय अवश्य करें। जब उपाय की बात करें तो अंगारक स्तोत्र का 40 दिन तक पाठ होता है, वो योग्य पंडित द्वारा करा सकते हैं। साथ ही साथ मंगलवार का व्रत रखें, मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नित्य करें, और शिव जी के करीब जाने की कोशिश करें। महामृत्युंजय जाप या शिव जी की वो परिक्रमा या आराधना करना भी फायदा करता है, दान धर्म करते रहे। तो अंगारक दोष घातक होता है, व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रथम भाव में अंगारक दोष बहुत ही नुकसानदायक है, वो सबसे नुकसान यहाँ करेगा। और अगर इन ग्रहों में जहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या शुभ ग्रह ना बैठे हो, तो अंगारक दोष घातक सिद्ध हो सकता है। तो अंगारक दोष का उपाय अवश्य करें।